न्यूज़क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में और हमारे साथ है डॉक्टर सत्यजीत रथ जो इसके बारे में काफी जानकारी रखते हैं और इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। सत्यजीत, इस वक्त वैक्सीन ट्रायल्स फेज 3 ट्रायल्स जो है उसमें काफी अच्छे नतीजे निकल रहे हैं मॉडर्ना और जो फाइजर बायोएनटेक फाइजर वैक्सीन जो दो है तो पहले 90% से ज्यादा क्लेम किया था, अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन भी 90% 70% 62% 3 फिगर्स आए हैं जिसपे उन्होंने कहा है कि 70% एवरेज करके निकल रहा है। पर इस अरिथमेटिक को अगर छोड़ दे ये भी पॉजिटिव रिजल्ट है क्योंकि उम्मीद ये थी कि 50% से ज्यादा अगर फल दिखाता है कोई वैक्सीन तो उसको सक्सेसफुल मान दिया जाएगा। ये हर फेज 3 ट्रायल्स का करीब करीब बेस समझ है, तो उस हिसाब से सभी वैक्सीन खड़े उतर रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन के शुरुआती नतीजे सामने आ रहे हैं इनको लेकर हमने 2-4 बातें याद रखनी चाहिए मेरे हिसाब से जब हम इनके बारे में सोचते हैं। पहला तो ये है कि आंकड़े सही तो हैं लेकिन शुरुआती आंकड़े हैं, यानी कि पहले 100-150 मरीजों में जो जांचें चल रही हैं कि एक गुट को वैक्सीन दिया है दूसरे गुट को और कुछ दिया है और इनमें वैक्सीन देने के बाद 6-8 हफ्तों में कितने मरीज निकलते हैं कोविड-19 के, इन आंकड़ों की जांच हो रही है। इन दो आंकड़ों में काफी फर्क सामने आ रहा है, तो काफी फर्क सामने आ रहा है ये बड़ी आशादायी बात है, अच्छी बात है, लेकिन नतीजे शुरुआती हैं और आंकड़े आएंगे क्योंकि और मरीज निकलेंगे तो इन आंकड़ों में बदलाव आएगा। तो हम ये जो बिल्कुल यूं कहा जाता है कि 90% असर मिला इस वैक्सीन का, उस वैक्सीन का 92 मिला, उस वैक्सीन का 94.5% मिला, इन आंकड़ों पर हमने अभी यकीन नहीं करना चाहिए। हमने सिर्फ इन शुरुआती आंकड़ों से ये सबक लेना है कि तकरीबन सभी उम्मीदवार टीके जो हैं, वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं, वो किसी न किसी अच्छे हद तक असरदार दिखाई दे रहे हैं। इसमें गमलिया वैक्सीन भी जो रशियन वैक्सीन है वो भी शामिल है। अभी तक 4 उम्मीदवारों के नतीजे, शुरुआती नतीजे हाथ में हैं, जो जैसा कि आपने कहा बायोएनटेक फाइजर का एक है, मॉडर्ना का दूसरा है, गमलिया का तीसरा है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का चौथा है। आंकड़ों में इधर उधर बदलाव है, ऑक्सफोर्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग की गलती से एक वैक्सीन के गुट का के 2 गुट हो गए क्योंकि एक में डोसेज कम हो गया दूसरे में सही हो गया, तो इन 2 गुटों के आंकड़े थोड़े फर्क दिखाते हैं, एक में 62% वैक्सीन का असर है दूसरे में 90% है। इन फर्कों पर अभी हमने बहुत जोर नहीं देना चाहिए, हमने इन सब आंकड़ों से सिर्फ इतना नतीजा आज लेना है कि शुरुआती आंकड़े ये दिखाते हैं कि अच्छे हद तक सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स असर दिखा रहे हैं, लेकिन शुरुआती यानी कि पहले महीने 2 महीनों के अंदर, आगे चल के वैक्सीन का के असर कितने महीनों बरसों तक रहेंगे अभी तक हमें कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या आखिरी नतीजा जो निकलेगा वो 90%, 70%, 80% होगा, हम इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते, लेकिन ये कह सकते हैं कि तकरीबन ये जितने वैक्सीन हैं सारे काम आएंगे और अगर पहले 4-5 में से पूरे 4-5 काम आए तो जाहिर है कि पहले 10-15 में से मान लो 10-12 काम तो आ ही जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो इंडिजिनस वैक्सीन कहा जा रहा है जिसमें एक तो है कि जो बायोटेक बना रही है वो पुणे के नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की है, दूसरा है आपका कैडिला का है और तीसरा भी कोई है जिसमें इस वक्त ट्रायल्स में है।
अभी तक पूरी जो क्षमता की जांच चल रही है उनमें तो ये दो ही मैंने सुने हैं। दो ही। तीसरा चौथा ऐसे हैं जिनकी क्षमता पूर्व जांचें चल रही है, लेकिन बीमारी से बचाव की क्षमता रखने की जो जांच हो रही है वो एक तो जाइडस कैडिला की हो रही है, और दूसरी जैसा कि आपने कहा भारत बायोटेक जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बनाई हुई वैक्सीन है उसकी जांच हो रही है। हमने दिमाग में रखने वाली एक बात है कि इन दोनों उम्मीदवार टीकों के जो बुनियादी तंत्र हैं, जो जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कहें उसे, वो जो है वो अभी तक जो चार टीके असरदार दिखाई दे रहे हैं उनमें से नहीं है, अलग है। तो उम्मीद तो है कि वो भी असरदार दिखाई देंगे, लेकिन पूरे विश्वास के साथ अभी कह नहीं सकते। उस पे शायद चाइनीज वैक्सीन्स दो शायद ऐसे हैं जो उसी टेक्नोलॉजी की है जिससे हम इनकी बात कर रहे थे, कैडिला की और इसकी भारत बायोटेक की। वो दोनों भी अलग अलग है। मतलब कि एक तो आप एक है पूरा वायरस लेके उसे मार के, मतलब इनएक्टिवेट करके उसे बतौर वैक्सीन के इस्तेमाल कर रहे हैं एनआईवी और भारत बायोटेक। जाइडस कैडिला का वैक्सीन जो है वो वैसा नहीं है, वो जो ज्यादा आधुनिक तंत्र हैं डीएनए के जरिए वैक्सीन देने के उनमें से। That's what a protein vaccine. What is it? DNA. तो अभी के लिए एक अंतरिम सबक है हमारे सामने, there is, जिसे इंटरिम रिजल्ट कहें, जिसे प्राथमिक अंदाज कहें कि तकरीबन अच्छी दिशा में टीकों का काम चल रहा है। एक इस पे उदाहरण के रूप में हम लेना चाहते हैं सीरम इंस्टीट्यूट की जो फेज 3 ट्रायल्स चल रही है, वो एक्चुअली ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की, उसमें एक एडवर्स रिएक्शन आया है जिसपे केस चल रहा है, उसके बारे में जरा बताएंगे हमें इसमें क्या इश्यूज क्या है और इसको किस नजरिए से देखना चाहिए। तो ये जो चेन्नई स्थित जहां पे जांच चल रही थी, चल रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का टीका हिंदुस्तान में बना रही है, उस हिंदुस्तानी बनाए टीकों की जांच चल रही है हिंदुस्तान में, कई जगह चल रही है। चेन्नई स्थित एक उसमें जो स्वयंसेवक थे, वॉलंटियर थे, उन्हें वैक्सीन लेने बाद 10 दिन बाद उन्हें टीका देने बाद, अब ये भी पता नहीं है कि वो किस गुट में है क्योंकि ये ब्लाइंडेड जांच है, मतलब के वैक्सीन का टीका या प्लेसिबो का टीका, दोनों तो इंजेक्शन है, सुइयां हैं, तो किसको कौन सी लगी है ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जांच का जो ढांचा है, जो डिजाइन है, वो इस तरीके का है। तो इन्हें जांच में इन्होंने शिरकत करी और जांच में इंजेक्शन लेने के बाद 10 दिन बाद इन्हें मस्तिष्क की बीमारी हुई। अच्छी बात यह है कि बीमारी से वो बाहर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, चूंकि मस्तिष्क की बीमारी है देर लगती है लेकिन ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। इस बीच महीने डेढ़ महीने बाद, महीने भर बाद शायद, उन्होंने न्यायालय में एक दावा पेश किया कि सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ के कॉम्पेंसेशन दिया जाए उन्हें, और कल की खबर शायद ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने उल्टा दावा लगाया है कि उन्होंने बदनामी की है सीरम इंस्टीट्यूट। तो यूं दावे प्रति दावे चल रहे हैं हम लोगों के लिए। दावे तो ठीक है, अदालत देखेगी। हम लोगों के लिए सोचने वाली बात यह है
और दुख की बात है कि इस तरीके की घटनाएं तो होती हैं, जब 30,000 लोगों को आप कोई सुई लगा दो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कोइंसिडेंस से, कर्म धर्म संयोग से, ये ऐसा कुछ ना कुछ तो होना है। इसलिए डेटा सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड होते हैं हर वैक्सीन ट्रायल के, हर वैक्सीन दवा की जांच के, जिनके पास ये जानकारी जानी चाहिए, जिन्होंने इस जानकारी को, इस घटना को परखना चाहिए। अगर जरूरत समझे ये बोर्ड, तो जांच को थोड़े दिनों तक रोकना चाहिए, जब तक उनका अपना परीक्षण पूरा ना हो तब तक। और अगर उनके सोच विचार में ये निकले कि ये जो घटना हुई है उसका दिए हुए टीके से, दवा से कोई संबंध नहीं है, तो फिर जांच को आगे चलाते हैं। परेशानी आपके लिए, हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये है कि अभी तक साफ सीधी आवाज में किसी अधिकृत तरीके से यह कहा नहीं गया कि डेटा सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड ने यह घटना देखी, परखी, उसकी जांच की और इस निष्कर्ष तक आए कि इसका वैक्सीन के साथ कोई संबंध नहीं था, यह सिर्फ कोइंसिडेंस था, इसलिए जांच को आगे चलाया। और जैसा कि कई मित्र कह रहे हैं कि और देशों में, खास करके आर्थिक प्रगत देशों में ऐसा होता तो जांच को रोका जाता। असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन ट्रायल को लेकर ये महीना डेढ़ महीना पहले हुआ है, तो उसको लेकर जो प्रतिक्रिया हुई वो बिल्कुल ही अलग थी। उसके बारे में जानकारी दी गई, जांच रोकी गई, विचार विमर्श किया गया और जब यह तय हुआ कि उसका टीके के साथ कोई संबंध नहीं है, तब जांच को आगे चलाया, तब ट्रायल को आगे चलाया। हिंदुस्तान में दुख की बात यह है कि ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ अदालत में दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। ट्रायल्स को रोकने की कोई प्रक्रिया भी शुरू नहीं की और इसके बारे में जांच का क्या परिणाम है, कब होगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ये आप यहां तक के मैं ये भी मानता कि अगर जो मॉनिटरिंग व्यवस्था है वो कहती कि हमारे पास इल्तिजा मिली कि यूं घटना घटी है, हमने सारे कागजात देखे, सारी घटना के बारे में सोच विचार किया और तुरंत इस नतीजे तक पहुंचे कि इसका टीके के साथ, टीकाकरण के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए ट्रायल रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है, लेकिन कहें तो कम से कम इसके बारे में प्रकार से आम प्लेटफॉर्म पर कुछ भी ना कहने की जो भारतीय पुरानी आदत है किसी भी अधिकारी व्यक्तियों की, किसी भी अधिकारी व्यवस्था की, सरकारी हो गैर सरकारी हो, हम सीधे पारदर्शी तरीके से बात नहीं करते, उसी का ये उदाहरण है। इसका और एक उदाहरण देते हैं कि इस तरह की जब घटना ब्राजील में हुई थी, कैनसाइनो की मेरे ख्याल से वैक्सीन के ऊपर सवाल था, बोल्सोनारो ने, ड्रग सेफ्टी बोर्ड नहीं, बोल्सोनारो ने उसको रोक दिया था प्रेसिडेंट के तरफ से, और बाद में पता चला कि वो ड्रग ओवरडोज था या सुइसाइड था जिसके जरिए ये हुआ है, और वो किस कोहोर्ट में था, जिसमें प्लेसिबो था या वैक्सीन था, वो भी मालूम था। और ड्रग सेफ्टी बोर्ड ने बाद में कहा कि इसके कोई संबंध जो है वैक्सीन ट्रायल से नहीं है। और वहां पर साओ पाउलो और प्रेसिडेंट के बीच पे भी टक्कर, साओ पाउलो की प्रदेश लेफ्ट गवर्नर के साथ है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बोल्सोनारो राइट विंग है, चीन का घोर खिलाफ है, और उसके खिलाफत के बावजूद साओ पाउलो में ये ट्रायल हो रहा था। तो ये भी राजनीतिक माहौल में बहुत और चीजें इस पर निकल सकता है, पर साफ ये है जो आप कह रहे हैं
कि जो ड्रग सेफ्टी बोर्ड है उसकी तरफ से पहलकदमी होनी चाहिए था, न कि इसकी अदालत में सिर्फ इसकी सुनवाई हो और इस पे एक चिलिंग इफेक्ट बाद में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे पड़ सकता है कि अगर इसको जल्दी इसको इसके बारे में रोशनी नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, यहां तक के दुनिया भर में हिंदुस्तान में भी वैक्सीन के खिलाफ एक दृष्टिकोण मौजूद है। लोग कहते हैं कि वैक्सीन स्वस्थ लोगों को दी जाती है, दी जानी नहीं चाहिए अगर सख्त जरूरत ना हो, क्योंकि वैक्सीन के दुष्परिणाम हो सकते हैं वगैरह वगैरह तरीके के वैज्ञानिक अड़चनों से अवैज्ञानिक दृष्टिकोणों तक जाने वाला एक पूरा माजरा हम लोगों के सामने कई सालों से है। उसके आसार हिंदुस्तान में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हाल में भी एक दो चिट्ठियां इस तरफ से मैंने सुना है लिखी गई हैं माननीय प्रधानमंत्री को। तो ऐसे ऐसे माहौल में जितना सुस्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था का विवरण सामने आए, उतना ऐसे गैर वैज्ञानिक नजरियों के को रोकने का मौका मिलता है। अगर वो ना करें व्यवस्था सिस्टम, वो ना करें CDSCO जो भारत की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कुछ ना कहें, ICMR कुछ ना कहें, सीरम इंस्टीट्यूट सिर्फ दावे लगाएं और बाकी कुछ बताएं नहीं, तो नतीजतन ये होता है कि ऐसे अवैज्ञानिक भ्रमों को पुष्टि मिलती है। रोशनी अगर चीजों पर नहीं डालेंगे तो जाहिर है कि अंधेरे में जीव जो होते हैं वो निकल के आएंगे, ये तो स्वाभाविक है, और इसीलिए पारदर्शिता रोशनी डालने की जरूरत है। आखिरी बात पे आपका मैं आना चाहता था कि देखिए, ये जो वैक्सीन की बात चल रही है, ये तभी इसकी अहमियत होती है कि अगर ये साफ हो जाए कि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के अलावा आने का संभावना कम है। और अभी फिलहाल पुणे में जो आपके सेरो प्रेवलेंस स्टडीज हुई है उसमें भी दिखाता, अभी भी बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर लगता है कि अभी भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम पहुंचे नहीं, तो बात की बात है, बहुत दूर है। और इसीलिए संख्या दिल्ली हो पुणे में है कि काफी जगहों पे अभी भी ये फैल रहा है, वो नंबर्स वही बता रहा है। इसके बारे में क्योंकि आप पुणे में हैं और सेरो प्रेवलेंस स्टडीज के साथ आपका कुछ डायरेक्ट संबंध ना हो, कम स्टूडेंट्स और कॉलीग्स के जरिए तो होगा ही, इसके बारे में जरा रोशनी डालेंगे। जी जी, नहीं वैसा तो मेरा प्रत्यक्ष संबंध भी रहा है पुणे के सीरो प्रेवलेंस अभ्यास को लेकर, तो उसमें दो चाव की बातें मैं अपने दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा उन नतीजों में से। एक तो ये है कि शहर के छोटे छोटे मोहल्लों में जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ, मतलब एक दीवार के इस पार उस पार वाले मोहल्लों की बात कर रहा हूं, यहां 30% का आंकड़ा है, वहां 60-70% का आंकड़ा है। तो हम जो ये औसत आंकड़ों की बात करते हैं ना, एवरेज नंबर की बात करते हैं, इससे उसके अंदर जो ये आंकड़ों की विषमता है वो छुप जाती है। लेकिन आंकड़ों की विषमता के जरिए उन्हीं दो मोहल्लों में जहां 30% हो वहां तो इन्फेक्शन एक रफ्तार से बढ़ेगा, जहां 70% हो वहां दूसरी थोड़ी कम रफ्तार से बढ़ेगा। ये जो विषमता का मसला है, फैलाव में विषमता का मसला, ये छुप जाता है, छुपना नहीं चाहिए। ये हुआ पहला सबक हमारे लिए। दूसरा सबक ये कि जब पुणे में मेरे युवा साथियों ने देखा कि एक मोहल्ला है जहां जुलाई में 70% सीरो पॉजिटिविटी थी, मतलब 70% लोगों में संक्रमण हो चुका था, तो अब हर हमेश कहा जाता है कि अगर 70% तक पहुंचे तो बस उस इलाके में कम से कम महामारी ना हो या ना के बराबर हो,
अगर यूं होता तो हमने ये देखना चाहिए था कि जुलाई में अगर 70% है तो अगस्त में उस मोहल्ले में केसें निकलनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, केसों के आंकड़े कम हैं, बहुत ही कम है। जहां 30% है वहां केसें ज्यादा है, जहां 70% है वहां उसके बाद के दिनों में केसें कम है, लेकिन बीमारी का फैलाव बिल्कुल बंद नहीं हुआ। ये दोनों मैं इसलिए बतौर मिसाल के देना चाह रहा हूं कि ये जो एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी, संक्रमण बीमारी का फैलेगा और जो मरने हैं वो मर जाएंगे, जो जीने वाले हैं वो खुशी खुशी जिएंगे, ये बिल्कुल अवैज्ञानिक गलत बात है। तो इसीलिए हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वैक्सीन जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगा। दूसरे इन्फेक्शस डिजीजेस का यही नतीजा रहा है, हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के अलावा कहीं आया नहीं था। स्मॉल पॉक्स हो से लेकर कॉलेरा हो, मीजल्स हो, सबके यही नतीजे रहे हैं और यहाँ भी यही नतीजे निकलने वाले हैं कि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। Want to add anything to it? हर बीमारी अलग बीमारी होती है, ये हम याद रखें। हर संक्रमण बीमारी अलग बीमारी होती है, तो इसलिए टीके आएंगे, टीके किसी हद तक असरदार होंगे, टीके हमारे लिए और एक संसाधन होंगे, इसके साथ साथ कि हम सांझा कांधे को कांधा लगा के, शारीरिक दूरीकरण रख के, पट्टियां लगा के, नकाब लगा के आगे चलें और इस बीमारी से निपट लें। धन्यवाद सत्यजीत हमारे साथ रहने के लिए, इन चीजों पर रोशनी डालने के लिए। अगले बार चर्चा करेंगे वैक्सीन की वितरण कैसे हो सकती है, किसको देनी चाहिए और हमारे जो कोल्ड चेन है, चाहे मॉडर्ना वैक्सीन के लिए तो नहीं, बायो एनटेक फाइजर के लिए तो नहीं, पर हमारे जो वैक्सीन आ सकते हैं उसके लिए कितनी कामयाब होगी, इन सब चीजों के लिए बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज क्लिक में देख आइएगा, हमारे वीडियोस जो आते हैं उसमें नजर डालिएगा और हमारे वेबसाइट पे भी जाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you.